थाना इकोटेक प्रथम, दादरी पुलिस व स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से चार विदेशी नागरिकों को करीब 27 किलो मैट ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये एक लगातार पिछले एक साल से सीपी मैम के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार जो है चल रहा है, जिसमें ड्रग सिंडिकेट्स, ड्रग माफिया और जो ड्रग सप्लाई चेन से उन पर लगातार काम हुआ है। उसी क्रम में एक कोई सूचना थी हमारे पास कि चार लोग हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन 2 थाना दादरी में पिछले कुछ दिनों में एक रेंट एग्रीमेंट किया है, एक मकान किराए पे लिया है और वहाँ पे कुछ पिछले 5-6 दिन से उनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस थी। उसको सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को देखते हुए और ये इंडिकेशन हमारे पास थे, ये इंटेलिजेंस हमारे पास थी कि वहाँ पे एक और ड्रग फैक्ट्री ये लोग सेटअप करने जा रहे हैं, उसको देखते हुए स्वाट टीम, इकोटेक वन टीम और दादरी की टीम ने वहाँ पे एक ज्वाइंट रेड करी और उस रेड में हमें लगभग 26 किलो मैथ बना हुआ और बाकी रॉ मटेरियल्स हमें बरामद हुए हैं। पूरे मैथ की प्लस जो रॉ मटेरियल जिससे और मैथ बन सकती थी, लगभग 150 करोड़ उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूएशन है। उसके अलावा पूरा फैक्ट्री का सेटअप हमें मिला है, कुछ पासपोर्ट्स हमें इसमें मिले हैं और ये एक और रेड जो है गौतम बुद्ध नगर पुलिस में ग्रेटर नोएडा जोन में एक और रेड इसमें करी गई है। सर, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? इसमें देखिए, चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, प्रेस नोट में उनकी डिटेल्स हैं। चारों नाइजीरियन मूल के निवासी हैं और पिछली बार भी जो हमने देखा था तो उसमें कुछ विदेशी मूल, अफ्रीकन मूल के निवासी थे। लगातार इन लोगों का वेरिफिकेशन चल रहा है, इसी वेरिफिकेशन को आगे के क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो सप्लाई का मॉडल सप्रेंडी अभी निकल कर आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों में जो फैक्ट्री लेवल है उस पर भी हमने काम किया है और जो लोकल लेवल की सप्लाईज हैं उस पर भी हमने काम किया है। तो कुछ इनके लोकल लेवल के वेंडर्स हैं, उन पर पूर्व में जेल भेजा गया है, आगे भी उस पर काम किया जाएगा। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन डार्क वेब और शॉपिंग एप्स के माध्यम से भी इनके सप्लाई के कुछ इंडिकेशन सामने आए हैं। देखिए, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो पासपोर्ट्स हैं उनका अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो किस तरह से, किस प्रोसेस से इनको वीज़ा मिला है और क्या इनका वीज़ा रहा है, कितनी बार उनको एक्सटेंड किया गया, ये सब हम इसमें अब आगे इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे। सर, ये जो ऐप है, ये बेसिकली डायरेक्ट ऐप सप्लाई करते हैं या जो ऐप जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है उसके बाद? अभी इस तरह की चीज़ें प्रकाश में आई हैं कि शॉपिंग ऐप्स यूज़ हो सकती हैं, उनका पर्टिकुलर माध्यम क्या था वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम लोग काम करेंगे। इंट्रोगेशन में जो चीज़ आई हैं वो भी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम आगे चल के और इसमें डेवलपमेंट करेंगे। जैसे पिछली बार जो फैक्ट्री सेटअप में तो यही लोग थे, लेकिन लोकल लेवल पे इनके वेंडर्स हो सकते हैं जो स्कूल कॉलेज के आसपास सप्लाई करते हैं, उन पे पूर्व में काम हुआ है और आगे भी हम लोग उस पे काम करेंगे। और ये हमारी टीम की लगभग एक साल में थर्ड रेड है और टोटल क्यूमुलेटिव जो इसमें रिकवरी हुई है वो पहली रेड में 46 किलो थी, दूसरी रेड में 30 किलो थी और इस रेड में 26 किलो है। तो टोटल 102 kg जो है ये मैथ की रिकवरी पिछले कुछ टाइम में हुई है, जो कि ड्रग ट्रेड पे एक अच्छा काम हम लोगों ने इसमें किया है।